हेलो एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 13, 14 एंड 15 ऑफ नवंबर के, जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पेरेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप सब इस करंट अफेयर से लाभान्वित हो सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस शहर में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुज्जर ने विकलांगों के लिए 3 दिवसीय ग्लोबल आईटी चैलेंज का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन में बात हो रही है, पहली बात तो हमारे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण पाल गुज्जर और उन्होंने विकलांगों के लिए 3 दिनों का ग्लोबल आईटी चैलेंज उद्घाटन किया है। ये हुई है नई दिल्ली में। आपके ऑप्शन हो जाते हैं बी, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की 2 दिवसीय तीसरी वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो इसमें बस ये ध्यान रखने वाली है कि ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की, एक विश्व आर्थिक मंच की जो 2 दिनों की इनकी तीसरी वार्षिक बैठक थी, ये आपकी हुई है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के लिए आधारशिला रखी? तो पहली चीज़ इसमें आप ध्यान दे सकते हो कि हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है, इनका नाम है श्रीपद नाइक और इन्होंने एक आयुर्वेद हो गया, फिर योग हो गया, फिर प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड उन्होंने एक संस्थान की आधारशिला रखी है और ये इन्होंने रखा है गोवा में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में उत्तर पूर्व की पहली जल हथकरघा झोपड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो बस ये ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व की तरफ वो कौन सा राज्य है, उसकी कौन सी शहर है जहाँ जल हथकरघा झोपड़ी है उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये है मणिपुर, योर ऑप्शन इज ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सरकार ने 6 महीने के लिए मछली के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये कौन सी सरकार है, किस शहर, किस राज्य की सरकार है जिन्होंने ये कह दिया है कि हम 6 महीने तक मछली का आयात बिल्कुल नहीं करेंगे? ये भी है गोवा, योर ऑप्शन इज ए गोवा। गोवा की सरकार ने ये कम्प्लीटली बैन लगा दी है मछली के आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 दिवसीय ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में किया? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये हो गई कि हमारे प्रौद्योगिकी एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्टर मंत्री हैं हमारे, वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इन्होंने 2 दिनों की जो ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में किया। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ऑप्शंस जब किसी की सम्मेलन की बात होती है तो मैक्सिमम ऑप्शंस जो होते हैं ना दिल्ली में आते हैं, मैंने लगभग। तो ये भी हो सकता है कि मान लो अगर अगर इन केस आप एक रिक्स ले सकते हो, लाइक अगर एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो 90% चांस ऐसे होती है कि ये चीज़ें दिल्ली में हो ही रहती है, बट हाँ वैसे तो आपको पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्पायर ऊर्जा दक्षता में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसमें क्या है कि ऊर्जा दक्षता जो है उसमें और हम नवीनकरण कैसे लाएं, कुछ नयापन कैसे लाएं और उसे और हम बढ़ावा कैसे दें, उस पर ये इंस्पायर यही है, तो उस पर यह संगोष्ठी हुई थी और इसका उद्घाटन भी हुआ है दिल्ली में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, दिल्ली। देखिए अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दिखे कि इंस्पायर ये किससे रिलेटेड हो सकता है तो ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा दक्षता से रिलेटेड है, ठीक है, और ये इसकी भी सम्मेलन हुई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश में 11वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो देखिए 11th एडिशन एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का जो हुआ है ये हो रहा है, आयोजित हो गई है कुवैत में। तो योर ऑप्शन इज ए, कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो हमने अभी अभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2018 को सेलिब्रेट किया है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, ठीक है, तो सी मतलब 11 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब से कब तक
विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। देखिए, हम विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं और ये 12 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 18 नवंबर तक चलेगा। तो इस अनुरूप हमारा ऑप्शन हो जाता है ए कि विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह जो है ये 12 से 18 नवंबर तक चलने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योग एंड माइंडफुलनेस पुस्तक लॉन्च की है, ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, वेंकैया नायडू जी, श्री वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च हुई है और उस पुस्तक का नाम है योग एंड माइंडफुलनेस। योग एंड माइंडफुलनेस, इसमें इनकी जो लेखिका है उनका ये कहना है कि योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी निजी जीवन में लाइए, उसी से जागरूकता फैलाने के रिलेटेड ये बुक है। तो बुक का नाम याद रखिए, योग एंड माइंडफुलनेस, जिसे वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है और इस बुक की लेखिका है मानसी गुलाटी। तो इस अनुरूप हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन भारतीय पापुआ न्यू गिनी में माउंट गिलेव्यू पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? इन्होंने माउंट गिलेव्यू पर चढ़ लिया है और ये हमारे पहले भारतीय हैं। तो इनका नाम है सत्यप्रूप सिद्धता। योर ऑप्शन इज ए सत्यप्रूप सिद्धता। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी में माउंट गिलेव्यू पर चढ़कर पहला स्थान, मतलब वो पहले भारतीय बन गए हैं, वो चढ़ गए हैं हमारे भारत से अब तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे युवा लेखक आलोचक प्रतिष्ठित मुनीन बारकोटो की साहित्यिक पुरस्कार 2018 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर देवभूषण बोरा, जिन्हें मुनीन बारकोटो की साहित्यिक पुस्तक 2018, लिटरेचर की जो पुस्तक है उनकी 2018 की, उनमें विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए डॉक्टर देवभूषण बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भुवनेश्वर मी वाईफाई की शुरुआत की गई है? तो भुवनेश्वर से आप समझ सकते हो, भुवनेश्वर उड़ीसा में शहर है, ठीक है, और भुवनेश्वर से आ जाती है तो राज्य तो समझ आ जाती है कि हमारा ऑप्शन है ए उड़ीसा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, भुवनेश्वर में वाईफाई है क्या? ये है कि अभी अभी भुवनेश्वर में जो वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने सब जगह ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई है कि हाई स्पीड में पूरी वाईफाई वो पूरे शहर में तैनात करा रहे हैं कि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए और वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप्स के लिए, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए कि हमारा राज्य जाता है ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश में इंडियन फूड एंड एग्रो क्रेता विक्रेता मीट आयोजित की गई है? मतलब भोजन को लेकर जो क्रेता विक्रेता की इनकी एक मीट हुई है, संगोष्ठी हुई है, ये किस देश में हुई है? ये हुई है जिद्दाह में। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए जिद्दाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शोधकर्ताओं ने पोर्टेबल ठंड भंडारण उपकरण विकसित किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोर्टेबल ठंड भंडारण उपकरण, क्या होता है? इसमें क्या है ना कि जितनी भी सब्जियां और फल हैं ख़राब हो जाती हैं मान लीजिए, तो इसमें आप लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उसमें संरक्षित रह सकते हैं और वो ताज़ी रहेंगी। तो ये IIT मद्रास के द्वारा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू संस्कृति और इसकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव जश्न विरासत उर्दू की घोषणा किस शहर में किया गया है? इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि देखिए, ये उर्दू भाषा को एक भाषा के तौर पर वो और आगे लाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जागरूकता फैलाना चाहते हैं उर्दू को लेकर। तो उर्दू संस्कृति और उसकी विरासत को लेकर वो जश्न के रूप में एक उत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा, जश्न विरासत उर्दू, और इसकी घोषणा किस शहर में? तो देखिए, ये भी है दिल्ली। योर ऑप्शन इज बी दिल्ली, दिल्ली में इसके कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्वर्गीय डॉक्टर मार्था फेरल को किस शहर में 6वें भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन में ये है कि बस ये ध्यान रखिए कि ये हमारे भारतीय, मतलब भारत के, मतलब 6वें हैं जिन्हें सामाजिक कार्य कांग्रेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नवाजा गया है और इनका नाम है डॉक्टर मार्था फेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रेवल की यात्रा की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश यात्रा करने के लिए सबसे सुरक्षित देश है? तो ये समझ लीजिए कि मतलब आप सुरक्षित रूप से आप उस देश में यात्रा कर सकते हैं, वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ये विच ट्रेवल की यात्रा के अनुसार उन्होंने एनालिसिस करके अपना रिपोर्ट जारी किया है और ये देश है हमारा आइसलैंड। तो ऑप्शन हो जाता है ए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक ने एशिया और प्रशांत के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक ने एशिया और प्रशांत के जो मुख्य प्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे उनका नाम है सिद्धार्थ तिवारी। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं ए, सिद्धार्थ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन समूह ने गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वोडाफोन के द्वारा जो गैर कार्यकारी समूह के जो निर्देशक डायरेक्टर जो नियुक्त हो गए उनका नाम है संजीव आहूजा। तो योर ऑप्शन इज डी, संजीव आहूजा। याद रखिएगा, वोडाफोन समूह के ये गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं संजीव आहूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पश्चिम, मध्य और आसपास की पूर्वीय, केंद्रीय और दक्षिण खाड़ी पर चक्रवात तूफान आया है, उसका क्या नाम दिया गया है? ये मैंने पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो देखिए, बंगाल के पश्चिम, मध्य में, आसपास के पूर्वी, केंद्रीय और दक्षिण खाड़ी पर, केरल के साइड ले लीजिए, उस तरफ में ये चक्रवात तूफान आया हुआ है और इसका क्या नाम है? इसका नाम है गाजा। योर ऑप्शन इज ए, गाजा। गाजा तूफान ये आया है। जैसे अभी अभी उड़ीसा में एक तूफान आई थी तो उसका नाम तितली था। तो ये सारी चीज़ें बस एक अपडेट रही है। तो इसी तरह ये जो तूफान आई है इसका नाम है गाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया? तो हमने विश्व निमोनिया दिवस पूरे वर्ल्ड में 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया है, 12 नवंबर को मनाया है विश्व निमोनिया दिवस। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, 12 नवंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 13 नवंबर 2018 को। निमोनिया दिवस था 12 नवंबर को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 13 नवंबर 2018 को। और एक क्वेश्चन है कि अच्छा, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।